स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे टमाटो राइस, जो बहुत ही आसान रेसिपी है और वो भी हम बनाएंगे इंस्टेंट पॉट में। और उसके साथ में बनाएंगे हम रायता। बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने अभी इंस्टेंट पॉट को प्लग इन कर लिया है और क्योंकि हमें टमाटो राइस का तड़का तैयार करना है तो इसको सौते पर स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा हमें इसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच तेल ले लिया है। जब इंस्टेंट पॉट हमें हॉट दिखाता है तब 2 मिनट के लिए हमें रुकना है ताकि वो गर्म हो जाए तेल। और इसमें ऐड करेंगे सारे खड़े मसाले। यहाँ पर 1-1 चम्मच हमने लिया है जीरा, शाही जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, दालचीनी, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची, स्टार एनिस यानी कि चक्रफूल, लाल मिर्च 2 और 2 तेज पत्ते। जब सभी खड़े मसालों की खुशबू आने लगे तो 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक काट के 2 हरी मिर्च डाल देनी है, 1 मीडियम साइज का प्याज काट के डाल देना है और उसे कुछ देर तक ऐसे ही हिलाते रहना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर हींग। जब ये प्याज ट्रांसल्यूसेंट हो जाए तो 1 टमाटर कटा हुआ इसमें डाल देंगे। अगर आपको खाने में गार्लिक पसंद है तो टमाटर डालने से पहले 4 से 5 कलियां गार्लिक की बारीक काट के इसमें डाल दीजिए। 1 मिनट तक इसको चलाने के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर लिया है लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से पक जाए तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वादानुसार डालेंगे, अगर आपको कम लगता है तो इसमें बाद में और भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और मसाले को फिर से पकाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती चावल को अच्छे से धो दिया था और उसके बाद उसको 25 से 30 मिनट के लिए भिगो के रखा था। अब इसमें से पानी निकाल के मैं इसको मसाले के अंदर डाल दूँगी। हमें यहाँ पे 2 कप राइस के लिए 3 कप पानी लगेगा, जो अच्छे से मिला लीजिए और इस पानी को टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको इसमें नमक कम लगता है तो थोड़ा सा नमक और ऐड कर दीजिए, इसीलिए कहते हैं कि स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। अब हम इस इंस्टेंट पॉट को बंद कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि इसकी जो ये विसल है वो उसकी नोब एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, अगर साइड में रही तो इसकी हवा निकलती रहेगी। अभी हम सौते ऑप्शन को बंद कर देंगे और मैनुअल ऑप्शन में जाएंगे। इसमें हम मिनट सेट करेंगे, हमें सिर्फ 4 मिनट इस पर सेट करने हैं क्योंकि 4 मिनट में हमारे राइस रेडी हो जाएंगे। जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाएगा तब तक ये हमको ऑन ही दिखाएगा, उसके बाद ये टाइमर बताएगा और 4 मिनट हो जाने के बाद ये इस तरह से आपको अलार्म दे देगा। नॉर्मल कुकर की तरह ही इसमें भी अभी स्टीम है तो इसका कैप अभी हम नहीं खोल सकते। देखिए विसल में काफ़ी स्टीम निकल रही है तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। याद रखिए कि इसकी ढक्कन के ऊपर दोनों तरफ स्टील पे बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसको हाथ नहीं लगाना है। जब तक ये हमारा कुकर ठंडा होता है हम बना देते हैं रायता। रायते के लिए मैंने यहाँ पे 3 कप दही ले लिया है। दही को अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थिक वाला रायता पसंद नहीं है तो। फिर मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज, कुकुम्बर और टमाटर ले लिया है जो हम इसमें डालेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पिंच लाल मिर्च डाली है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी हम सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और रायता तैयार है। अगर आपके पास धनिया पड़ा है तो आप इसमें बारीक काट के धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और ऊपर से मैं इसको गार्निश करने के लिए जीरा पाउडर और मिर्ची डाल रही हूँ। अभी इंस्टेंट पॉट को खोलने का टाइम हो गया है क्योंकि इसकी सारी की सारी स्टीम निकल चुकी है। तो देखिए हमारे टमाटो राइस रेडी हैं बिल्कुल।
इंस्टेंट पॉट खुलते ही खड़े मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो चलिए गर्मा गर्म इसको सर्व करते हैं। हम इसको सर्व करेंगे अपने बने हुए रायते के साथ। खुद भी खाना औरों को भी खिलाना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।